तारीख पर तारीख अब नहीं। जी हाँ, क्योंकि सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है। 5 बजे तक सुनवाई चलनी थी, लेकिन 1 घंटे पहले ही सुनवाई पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ है जितेंद्र चौधरी, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ महंत परमहंस दास, राम जन्मभूमि न्यास के महंत जो है वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महंत जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, 40 दिन तक जो सुनवाई चली, आज सुनवाई पूरी हो गई, पूरी सुनवाई को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा है, देखिए कि 40 दिन का बहुत अच्छा समय जो है, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और ये 40 दिन में हम लोगों ने समझा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है तो ये हनुमान चालीसा के रूप में इसकी सुनवाई किया है, और सारे साक्ष्य जितने हैं सब राम मंदिर के पक्ष में है, इसलिए अब राम मंदिर के लिए हम लोग जो है 100% ये मानते हैं कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा। और वैसे भी बाबरी पक्षकार के जो अधिवक्ता राजीव धवन है, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि यहाँ राम जन्मभूमि थी, और वहाँ जो पुरातत्व विभाग से खुदाई हुई है उसमें साफ साफ देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं, उसमें खंभों में जो है देवताओं की, शंकर जी की प्रतिमा लगी हुई है, जबकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, वो मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं है। तो तमाम साक्ष्यों को देखते हुए लग रहा है कि राम मंदिर के लिए जो है रास्ता साफ हो गया है, और वैसे भी एक खुशी की बात यह है कि देश में लगभग 99% जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, वो चाहते हैं कि वहाँ राम मंदिर ही बने, क्योंकि उनका कहना यह है कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए काबा एक है, उसी तरह से हिंदुओं के लिए अयोध्या राम जन्मभूमि एक है। और साथ ही साथ चूंकि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आतंकवादी था, और मरने के समय में भी बाबर ने कहा था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो ऐसे एक घृणित व्यक्ति के नाम से कोई मस्जिद बने, ऐसा कोई मुसलमान भी नहीं चाहता है यहाँ। हाँ, कुछ परसेंट लोग हैं जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान से मैच होता है कई बार, जब पाकिस्तान वाले छक्का मारते हैं, तो कुछ यहाँ गद्दार हैं कि जो यहाँ से जो है पटाखा फोड़ते हैं, उनको खुशी होती है कि पाकिस्तान वाले छक्का मार रहे हैं, तो उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। बाकी जो है जितने राष्ट्रवादी हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ जो है भगवान श्री राम मानवता और भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं, और निश्चित रूप से ये राष्ट्रभक्ति की लड़ाई थी जो विजय की ओर जा रही है, और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी इच्छा है कि वहाँ राम जन्म पर भगवान राम का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और अभी तक जो हम लोगों के तारीखों का सिलसिला रहा कि जब कई पीढ़ियां बीत गई, उनको मिला क्या, सिर्फ तारीख, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जो बेंच गठित हुई है, दिन रात परिश्रम करके, डे टू डे हेयरिंग करके, और निश्चित रूप से इस बहुत बड़े विवाद को खत्म करने का जो प्रयास किया है, इसके लिए पूरा देश उनका कह सकते हैं। महंत जी, तारीख पर तारीख खत्म हुई, अब फैसले का इंतजार, सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, 23 दिन के भीतर कहा जा रहा है फैसला आ जाएगा। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मुस्लिम विचारक असलम बेग भी जुड़ चुके हैं। असलम जी, सुना आपने महंत जी का क्या कुछ कहना है कि जो सुनवाई अभी तक हुई है और तारीख पर तारीख जो मिलती जा रही थी वो आज खत्म हुई है, उससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है अभी तक की सुनवाई से कि फैसला जो है वो हिंदू पक्ष की ओर आएगा, लेकिन अभी तक की सुनवाई आप कैसे देखते हैं? लगता है तकनीकी खराबी की वजह से फोन कट चुका है असलम बेग का। महन जी, जिस तरीके से कह रहे थे कि सुनवाई जो पूरी हुई है उससे सेटिस्फाइड है और अब कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि फैसला आ सकता है, जितेंद्र चौधरी, ये कई दशकों से सर ये जो कहते हैं कि मुद्दा चला आ रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब एक उम्मीद जगी है कि फैसला आए, जो फैसला आएगा क्या वो सर्वमान्य होगा? सब कह तो रहे हैं कि सर्वमान्य होगा, लेकिन किसी एक पक्ष में ही फैसला रहेगा, और ऐसे में राजनीति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के कई लीडर जो हैं वो बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं। श्वेता जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, जो इतने सालों से जो मुकदमा चला, इस पर जो पार्टियाँ राजनीतिक रोटियां सेक रही थी, एक तो उनकी राजनीतिक रोटियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, दोनों तीनों पक्षों ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं वहां पे, जो भी सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच करेगा और अगले महीने के लगभग इसमें फैसला आएगा, जो फैसला आएगा किसी के पक्ष में भी आएगा, पक्ष में तो एक के में ही आना है, जिसके भी पक्ष में आएगा वो सबको मानना पड़ेगा और उसका सबको स्वागत करना पड़ेगा, चाहे उसमें कोई भी पक्ष हो। उसमें ये नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के फैसले को हम नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेगा, जो फैसला आएगा, क्योंकि सबने अपने सबको मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखने का,
कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें इसमें मौका नहीं दिया बात रखने का। जब सब लोगों को मौका दे दिया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट गहनता से देखेगा। 5 जजों की पीठ है और जो उसको पढ़ने के बाद जो जिसके साक्ष्य मजबूत होंगे उसी के फिर फैसला आ जाएगा और जो है आगे जो भी फैसला है उसके आगे की जो कार्रवाई होगी उस समय पता चल जाएगा, इस समय फैसला आएगा। बीजेपी के लीडर देवेंद्र प्रमुख भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। देवेंद्र जी, ये आज के दिन जो ड्रामा हुआ, जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, राजीव धवन ने नक्शा फाड़ दिया, क्या लगता है कहीं ना कहीं ये जाहिर है कि हिंदू पक्ष ने जो दलीलें पेश की हैं वो ज्यादा सटीक थी या फ्रस्ट्रेशन था या क्या था, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे संविधान पीठ ने उस ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो मसला है वो पेचीदा है। देखिए श्वेता जी, अच्छा है कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया, अच्छी बात है, मैं ठीक समझता हूँ, क्योंकि बिगर किए इतना बवाल मच रहा है। अगर कोर्ट अपना उस पर डिसीजन, राजीव धवन के जो आज उसका जो बर्ताव था, सभी ने उसकी निंदा की है, चाहे उनके फेवर के लोग हों या विपक्ष के हों, और वो अच्छा भी नहीं था, क्योंकि सुप्रीम जैसे कोर्ट्स के अंदर जिसको पूरी दुनिया मानती है और भारत का लोकतंत्र दुनिया में एक सबसे बड़ा और उसका मुखिया है, मतलब लास्ट डिसीजन उसका होना और उसके सामने इस तरीके की घटना होना, तो इससे बड़ा दुखद और कुछ हो नहीं सकता। राजीव धवन जी जैसा भी हैं, जो भी कुछ है, क्योंकि लैंग्वेज उनके लिए ठीक नहीं है, हम जैसा कोई आदमी करे, वो तो आम जनता देख रही है उनका वैव क्या था और उन्हें इस तरीके से करना था या नहीं करना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा नाम था और उसके बाद इस तरीके से करके उन्होंने सिर्फ अपनी छवि को धूमिल करने का काम किया है, वो उनका अच्छा नहीं रहा। कुल मिला के ये है, टोटल अगर आप निकालो कहीं से भी आवे ऑल ओवर, तो वो डिसीजन अच्छा नहीं था। और रही बात उसकी ये कि राजनीतिक रोटियाँ सेकना या न सेकना, अगर आप यहाँ की बात उठाना चाहते हैं तो राजनीतिक रोटी जिसमें दम होता वो सेकता है, अगर दम होता तो 70 साल तक आप सत्ता में बैठे थे, ये राजनीति आज तक हुई क्यों? क्यों ना 70 साल में आपने सुप्रीम कोर्ट भी यहीं था या देश में सब कुछ था, क्यों नहीं ऐसे डिसीजन लिए गए आपकी सरकार की तरफ से कि इसको पटाक्ष किया जाए, इसे सुप्रीम कोर्ट में लाके किया जाए? जब इस पर आप ऊपर बैठे थे और नीचे आपकी जो पक्ष की सरकारें बैठी थी, जब यहाँ हत्याएं हो रही थी, कार सेवकों पर गोली चलाई जा रही थी, जब लोग वहां मर रहे थे, जब निर्दोष लोगों की जान जा रही थी, तो जब राजनीति नहीं दिख रही थी, मैं समझता हूं कि यह पटाक्ष बहुत पहले हो जाना चाहिए, पटाक्ष होकर इसको निपट जाना चाहिए, और ये बदकिस्मती रही देश की कि ये यहां तक खींचा। लेकिन आज अच्छा डिसीजन हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है हम उसका सम्मान करेंगे और सम्मान करते हैं, उसी के आधार पर यह निर्णय होगा। अच्छा सुनने को रहा पूरा, आपने सुना जितने दिन की बहस हुई, आज 18 तारीख, उसमें कल लास्ट था, 17 में आज फाइनल होने जा रहा है, और 1 महीने का मंथ, 4 हफ्ते का उसके पास सुप्रीम कोर्ट के 23 दिन के अंदर भीतर फैसला आ जाएगा। जी जी, वो आना है, 4 हफ्ते के अंदर अंदर वो फैसला आना है, उसमें देखिए क्या होता है। हम समझते हैं जो भी फैसला आएगा वो अच्छा फैसला आएगा, अच्छी पीठ थी, अच्छे जजेस थे, सबको हमारी शुभकामनाएं कि उन्होंने इस तरीके से सुना है कि सारे देश ने इस चीज को माना, और ये एक अपने आप में मिसाल बनी है कि इतने बड़े मुकदमे को इतने अच्छे तरीके से सुना गया, उस पर विश्वास है हम सब लोगों का। असलम बेग, मुस्लिम विचारक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असलम बेग, कैसे देखते हैं ये 40 दिनों की जो सुनवाई हुई, आखिरकार तारीख पर तारीख जो दी जा रही थी वो खत्म हो गई है, अब फैसले की घड़ी है, पूरी सुनवाई को किस तरीके से देखते हैं असलम बेग? और हमें पूरा विश्वास है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये विश्वास है कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका फैसला बेहतर आएगा, और हमें पूर्णतः यकीन है कि हमारे पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में आएगा फैसला, और हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है और इस कम्युनिटी पूरे खास के सबको है। अगर ये भरोसा इतना तगड़ा है असलम बेग साहब, तो नक्शा क्यों फाड़ा गया? देखिए, ये तो नक्शा अगर फाड़ा जाता है ये तो वैधानिक बात नहीं है, लेकिन सीधी बात है कि हमने जो हमारे जो वकील रहे हैं, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी तरफ से जो वकील रखा गया था, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समझाने का प्रयास किया है, और हमें उनके बहस पर पूरा यकीन है। नक्शा फाड़ कर समझाने का प्रयास किया है? जी, नक्शा फाड़ने का तो नहीं है, ऐसा नहीं होना था, लेकिन अगर नक्शा फाड़ा गया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन असलम बेग साहब, इतना तथ्य पेश किया गया है, असलम बेग साहब, पूरे समुदाय की बात कर ले तो कहीं ना कहीं बटा हुआ पक्ष नजर आ रहा है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बातचीत होती है, वो कहते हैं कि शिया वक्फ बोर्ड जो है वो चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो, आप कह रहे हैं कि हमारे हक में फैसला आएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। खबर बीच में ये भी आई कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हलफनामा दिया है, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या है, लेकिन धुआं तो वही उठता है ना जहां आग लगी हो।
हाँ बिल्कुल, जहाँ आग लगी हुई वहाँ धुआं उठता है, दिखता भी है, लेकिन हमारे दिगल में चुके हमेशा हमारा उस पर कई रहा है। ये जो वक्फ बोर्ड जो इनका है, सिया वक्फ बोर्ड, ये पूरी तरह से हमेशा कहीं न कहीं इसका विवादित बयान आता रहा है। ये सिर्फ चर्चा में लाने के लिए अपने आप को पेश कर रहा है, ये इससे इनके प्रति सिया समुदाय का भी कोई ज्यादा समर्थन नहीं है। सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी रोटी सेकते हैं, वो उनको ही लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये कुछ हो जाएगा। इसलिए इस मामले को सिर्फ देश नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान देख रहा है और ये बड़ी निगाहें हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय पर। तो इसलिए मेरे फेवर में इंशाल्लाह आएगा, ये हमारा विश्वास है। असलम बेग साहब, आपने राजनीतिक रोटियां सेकने की बात की, अब यहाँ पे अगर मैं 40 दिन की सुनवाई पर नजर डालूं, दलीलें क्या क्या दी गई और मोड़, जो रोमांचक मोड़ कहते हैं ना, वो आए हैं। मध्यस्थता की बात उठी थी सर, मध्यस्थता के लिए पैनल भी बैठा था, मध्यस्थता खारिज हो गई कि मध्यस्थता नहीं हो सकता, डे टू डे सुनवाई होगी। 6 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया, 6 अगस्त से लेकर 40 दिन तक ये जो सुनवाई चली है उसमें जो भी मोड़ आए हैं, देखा गया है कि डीले टैक्टिस अपनाई गई। एक बार जब सुनवाई चल रही है तो फिर से मध्यस्थता की बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से उठाई गई कि एक बार फिर से मध्यस्थता की जाए, जिसको रंजन गोगोई ने साफ, सीजेआई ने कहा कि अगर चलना है तो पैरेलल तरीके से मध्यस्थता की जाए, लेकिन हम अपनी सुनवाई नहीं रोकेंगे। आज नक्शा फाड़ दिया जाता है, फिर एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए दिए जाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सवाल नहीं उठाए जाते हैं लेकिन एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हैं। तो ये कैसे इसको देखे सर, कहीं ना कहीं डीले टैक्टिस ये नजर आती है। देखिए स्पष्ट है कि जिन्होंने जो नक्शा पारने की बात है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो बात लगातार हमारे पक्ष तरफ से, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखा गया है, उससे तो पूरा संतुष्ट है और पूरा मामला संतुष्ट है, देखा जा रहा है। और क्यों सर, राजीव धवन तो कहते हैं 39वें और 38वें दिन की जब सुनवाई चल रही थी तो राजीव धवन का कहना है कि सारे सवाल मुस्लिम पक्ष से क्यों पूछे जा रहे हैं। सीजीआई ने चुटकी भी ली, जब हिंदू पक्ष के वकील से सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा राजीव धवन से, क्या मैं सही सवाल कर रहा हूँ, अब आप संतुष्ट हैं? तो इससे तो यही लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। नहीं, पूरा 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 भरोसा है और हमें पूरा फख्र है, हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर, हमें अपने हिंदुस्तान में अपने धर्म के हिसाब से मुसलमान होने पर, हमें हमारे जो न्यायपालिका है उस पर पूरा आस्था है और हमारे तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं हमारे वकील, उनका भी पूरा आस्था है और इसीलिए तो हमेशा जितना दिन बहस चला है हमेशा बात रखी गई है। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम पक्ष सवाल किया जा रहा है, न्याय का मामला है और इसलिए वकील खड़ा होता है कि उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए था। तो सिर्फ मुस्लिम पक्ष कौन कर रहा है, पूछा गया है सर, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स है आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और क्योंकि समय समय पर ऐसे ऐसे मोड़ आए हैं जिसमें खुद सीजीआई को कहना पड़ा है कि शायद डीले हो, इसीलिए डेडलाइन 18 अक्टूबर की तय की जाती है सीजीआई की तरफ से, फिर 17 अक्टूबर की बात होती है और आज 16 अक्टूबर है और आज सुनवाई खत्म कर देते हैं सीजीआई कि अब दलीलें नहीं, अब जो होगा 23 दिन में फैसला आ जाएगा। तो सवाल तो उठते हैं सर, आप भी कह रहे हैं राजनीति हो रही है, कौन कर रहा है आपके हिसाब से, कौन कर रहा है राजनीति? देखिए ये जो आप अपने सिया वक्फ बोर्ड की बात किया, इनके जो पहले नेता रहे नसीम रिजवी साहब, इनका पूरी तरह से हमेशा, इन्हें तो बहुत कुछ बातें कही है, तो ऐसे लोगों का हम तो समझते हैं कि दिवालियापन है और इसको बीच में जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बातें कही जा रही है उसको डाइवर्ट करने का एक तरीका रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा आस्था है हमारा और पूरी आस्था के साथ हम खड़े हैं, लेकिन हिंदू पक्ष कहना है कि हम आस्था के बुनियाद पर करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए था वो शायद देने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और मैं अपने देश के और अपने खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा निश्चित ही हमें मान है और हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भारत का जो न्यायपालिका है उस पर हमें फख्र है। जी देवेंद्र प्रमुख, सुन रहे हैं कि किस तरह से असलम बेग भी कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है और अब सिया सुन्नी वाली जो बातचीत है वो सामने आ रही है और इल्जाम भी लगा चुके हैं कई बार कि रिजवी साहब तो हैं वो बीजेपी की तरफ से बोलते हैं और देख लीजिए कि उनका रिश्ता क्या है बीजेपी की तरफ से। श्वेता जी, मैं क्लियर चाहना चाहूंगा कि बेग साहब ने ठीक है अच्छे से मानना, बहुत अच्छा लगा, स्वागत है उनके बयान का, लेकिन एक बयान उनका जो है वो स्वागत योग्य नहीं है और वो मुझे लगता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उनका पड़ा हुआ है। वो जो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम पक्ष में आएगा फैसला, ये गलत फहमी निकाल दें, क्योंकि ये उनकी कोर्ट नहीं है, ये कोई मुस्लिमों की कोर्ट नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश का सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया का मुस्लिम इस पर नजर लगाए बैठा, हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है।
लेकिन कोर्ट जो डिसीजन देगा उसमें हमारा ट्रस्ट है। आप खुलकर कहिए कि हिंदू पक्ष में आए या मुस्लिम में, बात मुस्लिम की ना उठाएं बार बार यहां, फिर आप लोग भगते हैं जब हम मुस्लिम की बात करते हैं। अगर ऐसे ही आप लोग भड़काने की भड़काऊ भाषण देते रहेंगे तो रिजवी जैसे लोग जो आप ही के लोग हैं, आपके परिवार के हैं, बेशक सच्चाई के साथ खड़े हम लोगों के साथ, हम लोग उनका स्वागत करते भी यूं ही हैं, क्योंकि दिशा आप लोग बदलते हैं ना कि हम लोग बदलते हैं। असलम बेग साहब, भाई साहब ने बताया तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये उनके एक तरफ से कहा गया था कि ये विचार मेरे मुस्लिम पक्ष में है, हमने बोलने से पहले ये कहा था कि इंशा अल्लाह मैंने के ईश्वर ने अगर चाहा तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मेरे फेवर में होगा। आज ये मुस्लिम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पक्ष में हाथ में होगा, लेकिन यही बात के बात सही है उन्होंने कहा कि फैसला किसी के भी फेवर में हो, चाहे वो हिंदू पक्ष के हो या मुस्लिम पक्ष में हो, उसमें हमारा आस्था है। इसलिए आस्था है कि हम अगर अपने सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते हैं तो आप हम किसको मानेंगे, तो इसलिए उस पर तो मेरा फैसला है ही, लेकिन अपने सर्वोच्च न्यायालय से हमें तो उम्मीद रखना ही होगा। और वैसे भी इस्लाम में ना उम्मीदी कुफ्र माना गया है, हम अल्लाह की जात से ना उम्मीद नहीं है, हमें पूरा अल्लाह पर, ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा है कि मेरे फेवर में फैसला होगा। लेकिन अब तो माननीय न्यायालय में मामला है और उनका फैसला आना है, जो भी फैसला आएगा वो स्वागत योग्य है, हम उनका स्वागत करते हैं। ये मेरा जितने भी लोग जुड़ते हैं वो यही कहते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो कि जो भी फैसला जितने भी लोग जुड़ते हैं वो यही कहते हैं चाहे वो किसी भी पक्ष के हो कि जो भी फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन फिर व्यक्तिगत विचार जो सामने आते हैं असलम बेग साहब, चाहे वो साक्षी महाराज के हो चाहे वो आपके हो, वो कहीं ना कहीं ऐसा डाउट क्रिएट करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष में ही फैसला आएगा, ये आपको उम्मीद है। साक्षी महाराज कहते हैं कि 6 दिसंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। देवेंद्र जी अगर 40 दिन की सुनवाई देखें तो इस 40 दिन के सुनवाई के दौरान जिस तरीके से सुनवाई होनी थी और जिस तरीके से पहले हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की, उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की, कई बार ऐसे पॉइंट्स आए जब मोड़ देखने को मिला कि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से एक बार मध्यस्थता की बात भी बीच में उठाई गई, ASI के रिपोर्ट पर जब सवाल खड़े किए गए तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो सवाल आप अभी उठा रहे हैं इसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में उठा सकते थे, लेकिन बोला गया कि उस समय हम नहीं रख पाए, लेकिन अभी हम ये मामला उठाएंगे क्योंकि सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। तो ये डिले टैक्टिक्स क्यों की जा रही है? क्या लग रहा है कि पलड़ा जो है वो भारी है हिंदू पक्ष का, इसलिए ये डिले टैक्टिक्स की जा रही है? और क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में है तो आप पर भी आरोप बार बार लग रहे हैं कि कसम आपने खाई है कि मंदिर वही बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी सपोर्ट है, कहीं तो पार्टियां चैलेंज कर रही है कि अध्यादेश लाइए और मंदिर बनाइए। श्वेता जी बिल्कुल क्लियर, इसमें बीजेपी का अध्यादेश भी था और बीजेपी ने इसमें कार्य भी किया है। अभी पीछे जब कांग्रेस की तरफ से बात आई थी तो उठा के ये बात गई कि राजनीतिक रोटियां सेकने की बात, ये राजनीति करने की, इसमें रोटी सेकने की बात नहीं थी, इसमें अपने अपना अपना जो है सोचने का तरीका था। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चाहा है कि वह वो असली जगह है राम मंदिर के लिए, राम मंदिर की जगह है, और वो जो जांच जितनी हुई है SIT से लेकर या CBI तक या पुरातत्व विभाग की जितनी भी जांचें अब तक आई है वो निश्चित फेवर में आई है कि वहाँ मंदिर के जो हैं प्रमाण मिले हैं, क्योंकि बाबर का जो कार्यकाल है अगर उसे देखा जाए उसमें मुस्लिम बुद्धिजीवी लोग भी हैं, उनकी तरफ से भी बयान आए, और ये सनातन धर्म की तो पूरी संस्कृति इस पर बोल चुकी है और बता चुकी है कि वहाँ का जो भी वहाँ सबूत मिला है मंदिर का वो बहुत पहला सबूत है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, वो संभव नहीं है मिटाना। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि इस पर हम उन लोगों का भी स्वागत करते हैं जिन लोगों ने अब इसमें जो अपना समर्थन जाहिर किया, रिजवी जी हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या और कोई भी अदर मुस्लिम समाज हो, सबका स्वागत है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि देश की शांति बनी रहे हमेशा और ये जो राजनीतिक मुद्दा है खत्म हो, तो बीजेपी पूरी भारतीय जनता पार्टी उन सबका स्वागत करती है और जो डिसीजन आएगा उसको उसके लिए तैयार है, इसमें कोई भी कहीं ना कहीं से सोचने की विचारने की बात नहीं है। हिंदू धर्म गुरु इस वक्त आचार्य संजीव भी हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, ये पूरे 40 दिन की सुनवाई को आप कैसे देखते हैं? जो मोड़ आए, जिस तरह से मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सवाल उठाए गए, कभी मध्यस्थता की बात सामने आई, कभी ASI के रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए, आज नक्शा फाड़ा गया, सभी को देखते हुए क्या लगता है, सेटिस्फाइड हैं? अब फैसले की घड़ी करीब है, के लिए तो यहाँ पर है, बहुतों की बात सुनी गई है,
जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा, पहले भी इस बात के ऊपर बहुत झगड़ा हुआ अयोध्या के अंदर, बहुत सारे हम लोग इकट्ठे हुए, लेकिन इस चीजों से कोई फायदा नहीं होगा। जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है उसके अंदर कानूनी सब कुछ करता है, और मेरी राय में तो राम मंदिर बनना तय है। ये बात अलग है कि 17 नवंबर से पहले फैसला आएगा, और मेरा विश्वास है श्री राम जी में कि ये मंदिर बनना निश्चित है, क्योंकि जब पुरातत्व विभाग ने इस बात के लिए कह दिया असलम कि वहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंदिर जुड़े हुए हैं आचार्य जी, और वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा, ये उन्हें उम्मीद है। आप कह रहे हैं मंदिर बनना ही तय है, फिर आप लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा भी है, कैसे कैसे? उनके एडवोकेट थे राजीव धवन जी, उन्होंने कोर्ट के अंदर खड़े होकर वो नक्शा फाड़ दिया जो उनके हाथ में था। इस बात को लेके तो खींच दिखाई देती है, और ये जीतने के आसार कभी नहीं होते, और इस बात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने तत्वधान में लिया, उसने उसके ऊपर कहा कि क्या मैं सुनवाई बंद कर दूं, इसे आप क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना पक्के तौर पर यह है राम मंदिर बनेगा, और 16 नवंबर से पहले पहले, 17 नवंबर से पहले पहले वो रिटायरमेंट आउट होंगे, उससे पहले पहले इसके ऊपर पूरी की पूरी दलील आ जाएगी, जो हमेशा राम मंदिर के पक्ष में उम्मीद की जा सकती है। नहीं, ये यही मुद्दा तो समझ भी नहीं आ रहा है सर। एक तरफ दोनों पक्ष, एक तरफ असलम बेग से मैं बात कर रही हूँ, वो भी कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है, जिस तरह से सुनवाई चली है फैसला हमारे पक्ष में आएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जिस तरह से सुनवाई चली है फैसला हमारे पक्ष में आएगा, बनना तो मंदिर ही चाहिए। तो ऐसे में डायलेमा में है सर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मान्य होगा कि नहीं, सवाल यहीं पे खड़े हो जाते हैं। 40 दिन तक बैक टू बैक सुनवाई चली है, रेगुलर सुनवाई चली है। शुरू से मुस्लिम समाज कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो हम मान्य करेंगे, उसकी वो मान्यता प्रदान करेंगे, तो अब काहे की बात हो गई। अब हिंदू धर्म भी इस बारे में चुप है कि वो नहीं चाहता देश के अंदर कोई खून खराबा हो, कोई परेशानी आए, राम मंदिर चाहिए तो चाहिए। तो यही तो सर दोहरी बात तो आप ही कर रहे हैं ना, राम मंदिर चाहिए तो चाहिए, मतलब पहले से मान बैठे हैं फैसला आपके पक्ष में आएगा? यस, बिल्कुल मान बैठे हैं मैडम। श्वेता जी, हिंदू धर्म कितना मजबूत है इसे आप समझ सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है सर? सनातन धर्म, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जरूरत नहीं है? बाबर यहाँ पे अखरांता के रूप में आया था, उसका हिंदुस्तान से क्या मतलब था? असलम बेग साहब, आप दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, और दोनों की बात से यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे सर्वमान्य बताएंगे सर? ये 40 दिन की जो सुनवाई हुई है, जो जिरह चली है, जो दलीलें पेश की गई हैं, दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हमारे हक में ही फैसला होगा। अब जाहिर सी बात है, फैसला जब आएगा तो किसी एक के ही हक में आएगा, उस समय ये फैसला कैसे सर्वमान्य होगा? असलम बेग साहब जवाब दीजिए। हमें तो पूरा हमें हमेशा हमने कहा है, और हमारे जितने भी बड़े आलिम हैं, चाहे हमारे कम्युनिटी से जुड़े जो रहबर हैं, उन्होंने हमेशा अपना विचार स्पष्ट रखा है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, और इसलिए हम कोर्ट भी हमेशा अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखा है हमारे पक्ष की तरफ से। अब हम ये नहीं करें कि आना ही है, हम जो बोल रहे हैं वही ही होगा, ऐसा कहीं नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हम फैसला आएगा मेरे फेवर में लेकिन हम मंदिर वही बनाएंगे, तो फिर तो लग रहा है कि वो पूरी तरह से लगता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं है कि क्या आना है। हमारा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, ये मैं दुआ करता हूं कि मेरे फेवर में आना चाहिए। हम लोग दो पक्ष जगह होता है तो सबको लगता है कि मेरे पक्ष में आना चाहिए तो मेरे पक्ष में आना चाहिए। जो न्यायिक बात होती है, जो तत्वपरक बात होती है, उसके हिसाब से न्यायालय का फैसला आता है। अगर मेरा दावा, मेरे द्वारा जो साक्ष, जो मेरे द्वारा जो बात रखी गई है, अगर मेरा अच्छा नहीं होगा तो मेरे फेवर में नहीं आएगा, तो अगर उल्टा होगा तो उनके फेवर में आएगा। लेकिन हम डिटरमाइंड नहीं है कि हमारा ही होगा, लगता है कि मैं ही चला रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को, तो हमारे तरफ से कहीं हम नहीं चला रहे हैं। आदरणीय जो न्यायाधीश हैं, उनका जो बैच है, उनका जो फैसला आएगा, निश्चित ही सहर्ष स्वीकार है हमें, लेकिन हमें अपना उम्मीद है। तो ये मेरा अगर अपना फंडामेंटल राइट भी है कि मुझे अपने तरफ से सोचा जाना चाहिए, मेरा सोच है कि मेरे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हमने अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखा है। चलिए, आपके सवाल का जवाब असलम बेग साहब लूंगी आचार्य संजीव से, क्योंकि उनका कहना है कि फैसला जो है उन्हीं के पक्ष में आएगा, और उन्हीं के पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो क्या अगला स्टेप क्या होगा? 40 दिनों तक जो है सुनवाई चलती रही, 40 दिन पूरे हो चुके, और आज सीजेआई ने
बहस के दौरान दलीलें जब पेश की जा रही थी तो कहा भी जब एक सिचुएशन क्रिएट हो गया अब बस बहुत हो चुका और आज सुनवाई जो है खत्म हो चुकी, तो अब बस बहुत हो चुका, तारीख पर तारीख खत्म हो चुकी, अब फैसले की घड़ी है, 23 दिन अब इंतजार रहेगा कि ऐतिहासिक फैसला जब लिखा जाता है तो वो फैसला क्या होता है। तमाम जो पक्ष है, हिंदू पक्ष है, वो उम्मीद कर रहा है फैसला उनके पक्ष में होगा, मुस्लिम पक्ष है वो उम्मीद कर रहा है फैसला उनके पक्ष में होगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि सभी ये कह रहे हैं कि फैसला सर्वमान्य हो, आपसी सौहार्द बना रहे। 40 दिन की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, किस तरह से यू टर्न आए और कैसे उम्मीद मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को है कि फैसला उनके पक्ष में होगा। क्योंकि आचार्य संजीव जी, मैं आपके पास आती हूं, असलम बेग कह रहे थे कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही हमारे ही पक्ष में आएगा फैसला, लेकिन हिंदू पक्ष ये बार बार कह रहा है कि हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा और मंदिर ही बनेगा। ये सर आप कैसे कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब बात है तो आप क्या एक चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं फैसला हमारे पक्ष में ही दो, बनेगा तो मंदिर ही, और बीजेपी भी यही कह रही है बनेगा मंदिर ही, तो ये क्या पूरा ड्रामा था, ये क्या था, कैसे आप कैसे विश्वास करते हैं? आप ये महसूस कीजिए कि जो वहां से खुदाई हुई उसके अवशेष क्या निकले, जो और लोगों ने वहां पर जानकारी जुटाई उसके अवशेष क्या निकले, जो 1839 से कार्यवाही चल रही है उसकी क्या सुनवाई हुई है, उन सबको जोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा जो सनातन इतिहास के लिए एक बहुत मजबूत कड़ी बनेगा और वो राम मंदिर के पक्ष में जाएगा। यही सवाल तो यहीं से खड़ा होता है ना सर, कि राम मंदिर के पक्ष में ही कैसे जाएगा, और हमारे साथ बैठे देवेंद्र जी भी बीजेपी से हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला आएगा, तो ये कैसे कह सकते हैं जबकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पैगाम क्या कहते हैं ऊपर वाले का पैगाम, जिसको अल्लाह का पैगाम माना गया है कि कोई नमाज पढ़ने से कोई जगह किसी की नहीं हो जाती, ये तर्क सही है सर आपका, लेकिन ये तर्क कहना कि हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा, मतलब फैसला आपने पहले से पढ़ लिया, लिखने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र जी आप जिस तरीके से कह रहे हैं, फैसला हमने पढ़ने लिए हमने सुना है, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हुई है वो हमने सब सुनी है, बिल्कुल, और उसकी बातों में लगता है कि फैसला जो आएगा वो हिंदू समाज और राम जी के पक्ष में आएगा। देवेंद्र जी आप भी ये बात कह रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष में हैं आप, और हालांकि मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये बात कही है कि कसम हमने खाई है मंदिर वहीं बनाएंगे, चलिए ठीक है आपका मुद्दा था, लेकिन बार बार जो आरोप लगते आए हैं कि आप जबरदस्ती राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे को इनकैश कराने की कोशिश कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो चलने दीजिए, लेकिन एक तरफ अध्यादेश की भी बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आए और अगर हिंदू पक्ष में नहीं हुआ तो तमाम जो गेस्ट जुड़ते हैं, तमाम जो आचार्य जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि अध्यादेश लाइए और हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कैसे ये कैसे सर, ये तो दोहरा चरित्र दिखता है। श्वेता जी हम फिर क्लियर कर देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जब बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात तो हम मानने के लिए तैयार हैं, अगर हमारे इसमें नेताओं की बाइट आई है, आपने देखा हमने सुबह से आज डिबेट में है कई बार बाइट, आपने साक्षी महाराज का नाम है उनकी सुनी है, विनय कटियार जी ने भी बोला है, लेकिन उनकी पूरी बाइट आप क्लियर सुन के देखिए, उन्होंने लास्ट में जो भी उनका डिसीजन हुआ निष्कर्ष निकल के क्वेश्चन के बाद आंसर के साथ आया वो आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मान्य है, बड़ी बात यह है अपने सारी अपने। बात कह जाओ और दूसरी दो कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैनिफेस्टो कहते हैं ना देवेंद्र जी नहीं कम से कम ओन कीजिए, हमारे एजेंडे में जो था वो एजेंडे से बाहर हम कभी ना हुए ना हम होना चाहते एजेंडे से बाहर, क्योंकि हमारा एजेंडा था और हम अपने एजेंडे के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोर्ट में आक्षेप हमारा नहीं है, हम कोर्ट का मानना आते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सब चीज करते हैं, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने के लिए। लोकतांत्रिक तरीके से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और टीका टिप्पणी से नेता जो हैं वो बचे, नहीं हम तो आज भी कह रहे हैं वही प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का वही डिसीजन, बिल्कुल सबको मान्य है, बोल रहे हैं कि बनेगा मंदिर है। देखिए ऐसा है मैं बताता हूँ, जब कभी कभार श्वेता जी जब क्वेश्चन इस तरीके का आता निकल के जवाब देना मजबूरी होता है, और जवाब जवाब देंगे कि मंदिर ही बनेगा, देखिए मंदिर बनना सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है सर, देखिए ये मैं अब वही मैं आपको कहना मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए तथ्य जो है उन पे ही विचार किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी तो तथ्य देखने के बाद करेगा, वह प्रमाण क्या हुआ है, वह प्रमाण जितनी भी एजेंसियां हमारे देश की जो एक से एक बड़ी एजेंसियां हैं और यहां तक की जो विदेशी एजेंसियां जिनकी मदद हम लोगों ने ली है, देखिए मैं बताऊंगा ये जो प्रमाण है ना ये प्रमाण हाईकोर्ट में दे दिया ये प्रमाण इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आपको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पता है,
हम ये सारे प्रमाण इलाहाबाद हाईकोर्ट में दे दिए, लेकिन किसी पक्ष ने उस फैसले को नहीं माना, तब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहां पेश की गई थी सर? इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एएसआई की रिपोर्ट बनाए किसमें? उसमें भी मुस्लिम मौजूद थे, तो एएसआई की रिपोर्ट को ही फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं माना जाता है। तो ये जो तमाम जो आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फिगर्स की बात कर रहे हैं, ये आज के नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठाए गए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला नहीं माना गया, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। और अब आप कह रहे हैं हमारे एजेंडे में है, हम ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि मुंह पे लगाम लगा लो, तो लगाम क्यों नहीं लगती है? जितेंद्र जी, जिस तरह से ये बार बार बात आ रही है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और बीजेपी इनकैश कराने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे को, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ जाने दीजिए, उसके बाद क्या डिसाइड होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन बढ़ चढ़कर ये जो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है कि 6 दिसंबर से निर्माण कार्य साक्षी महाराज ने शुरू करवाने की बात कह दी है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग जब प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानते हैं और इस तरीके की जो टीका टिप्पणी करें, जो कोर्ट में मामला है और ये कह रहे हैं कि हमारे ही पक्ष में आएगा, तो इसका मतलब इनका ना प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास है, ना ही इनका सुप्रीम कोर्ट की बात पर विश्वास है। अरे, आपको जब सन 1949 से मुकदमा चल रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन से लगातार बहस हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने पीछा भी कहा था चुनावों के बाद, अब भाई हमें लोगों को इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और फिर भी बीजेपी के लोग बाज नहीं आते, क्योंकि अब मुझे एक चीज बताइए, बीजेपी राम मंदिर के मामले में कहीं पार्टी ही नहीं है, तो बीजेपी इसके लिए क्या श्रेय मिलेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट का श्रेय, जो हम हिंदुओं को और मुसलमानों को जो लड़ाने का काम कर रहे थे 90 से लेकर आज तक, और इसी मुद्दे को लेकर राजनीति में 2 सीटों की पार्टी हवा कर दी थी। तो ये लोग तो पब्लिक को भड़काने का काम करते हैं। अब 23 दिन रह गए, सुप्रीम कोर्ट उन पर अवलोकन करेगा, जो गवाही हुई है, जो वहां पेपर रखे गए हैं, तो उन पर अवलोकन करेगा। 23 दिन तक इंतजार कर लीजिए, फैसला आ जाएगा। जो मंदिर हम बनाएंगे, मस्जिद वहीं मुसलमान कह रहे हैं मस्जिद हम बनाएंगे, ये और कुछ नहीं कर रहे, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि 90 से ही लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है, इनके जाल में फंसने वाली नहीं है, इनके जाल की उम्र पूरी हो चुकी है और इनकी बात पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, मेरे प्रमुख साहब कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अगर बीजेपी ने बहुत कार्य किया, अरे भैया तुम्हें यही पता नहीं, 1989 में ये वीएचपी की मदद से, वीएचपी ने राजीव गांधी की मदद से मस्जिद के बगल में राम मंदिर का जो छोटा सलाना से रखा है, वो राजीव गांधी जी ने कराया था। 67 एकड़ जमीन की जो वहां पर अधिग्रहण किया गया था, वो कांग्रेस की तरह पीवी नरसिंह राव के जमाने में की गई थी। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने राजनीतिक रोटियां सेकने से और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने से अलग कोई कार्य किया हो तो मुझे बता दीजिए। और इसी बेस पर आके आप जो है राजनीति में आ गए, सत्ता में नहीं, दो सीटों की पार्टी हुआ करती थी, आपका कोई वजूद ही नहीं है, आप इसमें पार्टी भी नहीं है। राम मंदिर का श्रेय कैसे मिलेगा आपको? ये सुप्रीम कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी सुनवाई करी और फैसला किसी के पक्ष में है, जनता को स्वीकारना चाहिए। और राम मंदिर हम वहां बनाना चाहते थे, लेकिन मुस्लिमों को हमें मैनेज करना था, इसलिए हम खुल के डिसीजन 70 साल में कर नहीं पाए। और बीजेपी के लिए आज यहां तक ये ना बताए, देखिए 90 से नहीं, हम 47 से बात कर रहे हैं, आप 47 से देश में राज कर रहे हैं, अगर दम होता तो आप तक इसे 10 बार सुन जाते। हमने तो हम तो ये कह रहे हैं, जब राजीव गांधी जी आप कह रहे हैं, आप कहिए ना, आप कहिए ना सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दीजिए, अगर राजीव गांधी ने वहाँ पूजा का स्थल तैयार कराया तो वकील वहाँ जाके खड़े क्यों हो रहे हैं? बीजेपी क्यों कह रही है? वहाँ बड़े लीडर पार्टी बन के तरफ कह रहे हो की आपके राजीव करा रहे हैं, दो काम बताइए आप लोगों को यहाँ ले आई से पूछो, बार चिल्ला रहे हैं, जो आपकी दोहरी रणनीतियां थी, आज कांग्रेस की जो स्थिति करी है वो ये बताइए आप, आपने राम मंदिर के लिए ऐसे कौन से दो कार्य किए जो अब तक आपने जो इसमें सफल हुए हैं, मुझे बता दीजिए क्या कार्य किए? सारे ऐसे कार्य किए हैं, एक तो बता दीजिए, आपकी हालत ये कर दी, आपकी हालत ये कर दी कि खड़े होने के लिए जगह नहीं बची। राम मंदिर के लिए क्या करा मुझे बताइए? राम मंदिर के लिए क्या करा बताइए? आज राम मंदिर का स्थल बचाने का काम हमारी सरकार को जवाब नहीं है, आज ये सुप्रीम कोर्ट में आकर जो आज हम अपनी लड़ाई कर रहे हैं और देश का जनमानस कह रहा कि हम लड़ाई जीत रहे हैं, ये काम हम लोगों का है और मुसलमानों पक्षों का। आप लोगों ने 70 साल में कश्मीर जैसे हालात पैदा कर दिए, अयोध्या के भी
आपने सिर्फ कश्मीर जैसी घटनाएं दी है इस देश को, जब वो कश्मीर जैसी घटनाएं आपको यही गिरबा में झांकना होगा। और इस देश की जनता समझ चुकी है कि वो ऐसे नेता को नहीं पसंद करते। हटाया ना 370, अगर एक झटके में हटाया तो फर्स्ट टर्म में ही अध्यादेश ले आते। देखिए मैं अध्यादेश क्यों नहीं लाया गया? मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मुस्लिमों को मैनेज करने वो की? हमारा मंदिर का मामला हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं था उसका 370 का सर, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट है। आप तो है ही नहीं, सबसे बड़ी हमारे पहुंचा लोकतंत्र की ताकत, लेकिन फर्स्ट चैलेंज नहीं कर सकते। देवेंद्र जी एक मिनट सवाल सुन लीजिए, आप इसे अपना एजेंडा बता रहे हैं कि मंदिर हम वही बनवा के रहेंगे, हमने कसम खाई है, तो फर्स्ट टर्म में अध्यादेश क्यों नहीं लाया गया? सुप्रीम कोर्ट में मामला जब पहुंच गया है और जब लग रहा है कि फैसले की घड़ी करीब है तो बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। असलम बेग साहब, क्या आपको नहीं लगता कि इस पर राजनीति की जा रही है? असलम बेग साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारी आवाज असलम बेग तक नहीं पहुंच रही है। आचार्य संजीव, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से यह बात कही जा रही है कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर वाकई में अगर देखा जाए मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सभी पार्टियां कह रही हैं कि सर्वमान्य होगा, तो इसको इनकैश कराने की कोशिश क्यों की जा रही है? बार बार बीजेपी के लीडर की तरफ से ये जो बयानबाजी आ रही है, इसे कैसे देखते हैं सर? कहीं ना कहीं जब राजनीति की एंट्री हुई है इस मामले में, इसी वजह से इतना डीले हुआ है अयोध्या मामले की अगर बात करें तो, नहीं तो मामला कब का सुलझ गया होता? क्या कहेंगे? मैं तो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं इस बात के जरूर समर्थन करता हूँ, ये जो बयानबाज है इससे जरूर नुकसान हुआ है। और जब बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है, किसी नेता की कोई नहीं चलती, वहां पर जो एविडेंस है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और ये जो एविडेंस है वो श्री राम के फेवर में जाते हैं, इसलिए वहां मंदिर बनेगा, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। दूसरी बात यह, इस देश के अंदर रामबाण औषधि देने का प्रारूप है, अल्लाह बाण औषधि आज तक नहीं बनी, यहाँ राम की कसम खाई जाती है, किसी और की कसम नहीं खाई जाती, तो आप कैसे भरोसा नहीं कर सकते हैं राम मंदिर नहीं बनेगा? नहीं नहीं, बात भरोसे की नहीं है सर, बात यह है कि फैसला जो आएगा, अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ फैसला आता है तो क्या सर्वमान्य होगा? आएगा ही नहीं फैसला, मैं मानता ही नहीं फैसला मुस्लिम पक्ष में आएगा। बात तो सर यही रिजिडनेस की है ना, कि आप इतने रिजिड होके कह रहे हैं कि आएगा ही नहीं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है? सुप्रीम कोर्ट बाउंड है इन चीजों को सुनने के लिए? सुप्रीम कोर्ट के पास सारे तथ्य हैं, जो सनातन धर्म के फेवर में राजनीति के फेवर में जाते हैं। सर सुन्नी वक्फ बोर्ड जो मालिकाना हक जता रहा है, जो बातें हैं, जो पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पेश की गई, अगर सारे तथ्य फैक्ट्स हिंदू पक्षकारों की तरफ से सही रहते तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो डिसीजन ही नहीं हुआ होता कि तीन पक्षों में बांट दिया। हाई कोर्ट ने तो इसके तीन हिस्से कर दिए थे और तीन जगह बांट दिया था जी। हाई कोर्ट की बात नहीं है यहाँ पे, बच्चा सुप्रीम कोर्ट की बात चली जाती है, फिर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नीचे नहीं रह पाता। बोले को तो 1982 के अंदर भी हो जाना चाहिए था, सबको अपनी अपनी जमीनें हिंदू पक्ष में दे देनी चाहिए थी, उसके पैसे ले लेते और लिया भी है, ऐसा किया भी है। किसने किया ऐसा? वो वहां पे अधिग्रहण नहीं हुआ वहां जमीनों का। अरे सर मेरा तो कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो कौन सा आप लोगों ने मान लिया? फिर तो सुप्रीम कोर्ट चले गए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला कुछ ऐसा होता है तो आप मानेंगे? और कौन सा उन्होंने ये थोड़ी कहा वो मस्जिद बना दो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये थोड़ी कहा वो मस्जिद बना दो। लेकिन तीन हिस्सों में तो बांट दिया गया, वो तो स्वीकार नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? सियाबम बोर्ड ने तो अपना हाथ छोड़ दिया है, उन्होंने तो हलफनामा दे दिया है। शिया वक्फ बोर्ड ने क्या कहा है ये सबके सामने है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड और अभी असलम बेग भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी कहना यही है कि भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो सर्वमान्य होगा। लेकिन आप जब बोलते हैं कि फैसला सर्वमान्य होगा तो आप एक क्लॉज लगा के बोलते हैं कि फैसला तो जो आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा। मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त सबीना खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबीना, आप कैसे देखती हैं ये 40 दिनों की जो सुनवाई चली है और बार बार बात यही उठ रही है कि मंदिर ही बन के रहे, हमें सर्वमान्य है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट?
कोर्ट का, 23 दिनों में आज सुनवाई पूरी हो गई, अब 23 दिनों में फैसला आना है, तो हम सभी पक्ष कह रहे हैं कि फैसला सर्वमान्य है, लेकिन एक क्लॉज जुड़ जा रहा है कि हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि बनेगा तो मंदिर ही। जब से सुनवाई हो रही है तब से यही सुनाई दिया जा रहा है कि जो भी हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो हमेशा अपने आप को सर्वमान मान के चल रहे हैं, और उनका ये कहना है कि बनेगा तो राम मंदिर ही, और फैसला आएगा तो राम मंदिर के हक में ही आएगा। मुझे लगता है उनको कोर्ट पर विश्वास नहीं, उनको अपने न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं, उनको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। आज तक किसी मुसलमान ने ये क्रॉस नहीं लगाया कि नहीं मस्जिद के उस पर ही फैसला आएगा या हमारा ही फैसला आएगा, ऐसा नहीं बोला। आज तक मुसलमान सिर्फ ये बोलते आए हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। तो मैं ये कहती हूँ कि दूसरे पक्ष के लोग इस तरह की बातों को क्यों नहीं लेते हैं कि हाँ जो भी कोर्ट पर हमें मान लें, लेकिन सबीना जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कोर्ट में पेश किए गए हैं, और जब जब यू टर्न आया है कोर्ट में, अगर पूरे 40 दिन की सुनवाई पर आप नजर डालिए तो जब जब यू टर्न आया है, हिंदू पक्ष जब अपनी दलीलें पेश कर रहा था तब ऐसी कोई बात नहीं थी, जब मुस्लिम पक्ष ने दलीलें देनी शुरू की तब फिर आपको याद होगा कि CJI ने कहा था कि 18 अक्टूबर तक डेडलाइन तय कर दी थी कि ये जो है बहुत वेग होता जा रहा है, ऐसे दलील पर दलील देती जाएंगी, जिरह होता जाएगा और कुछ होगा नहीं। तो CJI रिटायर हो रहे हैं 17 नवंबर, उसके पहले वो चाहते हैं कि फैसला हो जाए, फैसला लिखने के लिए भी वक्त चाहिए, तो पहले 18 अक्टूबर डेट तय हुई डेडलाइन, उसके बाद 17 अक्टूबर की बात हुई और आज 16 अक्टूबर सुनवाई खत्म कर दी जाती है। लेकिन जो जो यू टर्न जो पॉइंट्स उठे हैं सबीना, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं डीले टैक्टिक्स अपना रहा है। मध्यस्थता की बात जब सुनवाई डे टू डे बेसिस पे चलने लगी तो मध्यस्थता की बात फिर से आई कि मध्यस्थता कर ले, फिर CJI ने कह दिया कि मध्यस्थता करना है तो करो, इससे रोक नहीं है, पैरेलल में सुनवाई के चलते रहे मध्यस्थता, जो फैसला होगा वो बता देना। लेकिन कोई मध्यस्थता का पैनल ना सामने आया ना मुस्लिम पक्ष उस समय सामने आया, बात हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से उठाई गई। ASI की रिपोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिनाई नहीं की जाती है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसे डिनाई कर देते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं डिले करने की कोशिश कि जिरह को और खींच लिया जाए, ये क्या है? देखिए आज तक मुस्लिम पक्ष को ये विश्वास रहा है कि जो भी फैसला होगा कोर्ट का माना जाएगा। अब पता नहीं डिले किस वजह से हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि बहुत दिनों से सबसे लंबा केस ये अयोध्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये है, विवाद चल रहा है, जो कि अब बस हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी तो हमें इस बात की है कि जो लोग अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं ये राम मंदिर और मस्जिद के विवाद को लेकर, जिनकी दुकानें चल रही ना वो बंद हो जाएंगी। किनकी दुकानें? जो भी इस विवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, विवाद के ऊपर जो बहुत ज्यादा जा रही है ना राजनीति जो कर रहे हैं, वो राजनीति बंद हो जाएगी कम से कम, तो इस बात की हमें सबसे ज्यादा खुशी है। दूसरी खुशी ये है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हम मानेंगे, तो और मुझे लगता है दूसरे पक्ष के लोगों को भी ना क्या ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि राजनीति जब कर रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, कौन कर रहा है तो नहीं पता, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों को अगर सुने, 40 दिनों की सुनवाई भी देख लीजिए और इसके पहले भी देख लीजिए जो चीजें रही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य हुआ नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो सर्वमान्य होगा कि नहीं ये तो फैसला आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो चीजें मैंने तथ्यों को रखा कि ASI की रिपोर्ट यहां नकार दी गई, CJI ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, तो कहा गया कि वहां हमने कहा था लेकिन चीजें सुनी नहीं गई और हम फिर से ये मुद्दा उठा रहे हैं। आज जिस तरह से राजीव धवन ने नक्शा फाड़ दिया, ये फ्रस्ट्रेशन दिखता है सबीना, ये कहीं ना कहीं दिखता है कि आपको लग रहा है कि फैसला शायद आपके हक में ना हो, तो इसलिए इस तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश। राजीव धवन तो यहां तक कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मुस्लिम पक्षों से ही केवल सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, कैसे देखेंगी इस पे तो डाउट उठेगा ना कि राजनीति तो मुस्लिम पक्षकार ही कर रहे हैं। देखिए अपनी अपनी दलीलें, शिया सुन्नी बटे हुए हैं, शिया वक्फ बोर्ड कुछ कह रहा है, सुन्नी वक्फ बोर्ड कुछ कह रहा है, देखिए अपनी अपनी दलीलें जो जितना बेहतर पेश करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, उसमें देखिए हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या वहां पर हो रहा है, और जो आउटपुट निकल कर आता है वो ये है कि जल्द से जल्द इस पर जो भी कोर्ट ने फैसला लिया है कि इसको जल्द से जल्द सुनवाई करके और इस पर निष्कर्ष निकाला जाए, क्योंकि बीच में मध्यस्थता की भी बात हुई थी लेकिन मध्यस्थता से भी बात नहीं बन पाई, तो इस वजह से अब कोर्ट ने उसको फास्ट ट्रैक में डाल दिया और बोला कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया। जब हम लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ फैसले का इंतजार है कि वो क्या आता है, बस सब यही जानना चाहते हैं। अगर फैसला आया हिंदू पक्ष की तरफ तो सर्वमान्य होगा? मैम देखिए कोर्ट पर मैंने पहले ही बोला कि हम लोगों को कोर्ट पर भरोसा है, इस देश की न्याय प्रणाली पे भरोसा है, जिसको नहीं है वो कहते होंगे नहीं तो हम ही बनवाएंगे राम मंदिर, तो उनको नहीं होगा, हम लोगों को आज भी है, इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कोर्ट कहेगा वो हम मानेंगे। आचार्य संजीव जी,
सबीना खान का कहना है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। अगर मैंने बोला हिंदू पक्ष की तरफ फैसला आता है तो भी वो कह रही हैं कि जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। अब यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि 40 दिन की सुनवाई के बाद तमाम तथ्य फैक्ट्स फिगर्स सब कुछ रखने के बाद कोर्ट के सामने अगर फैसला ऐसा आता है कि वो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ हो तो क्या वो आपको सर्वमान्य होगा? कि वो फैसला मुस्लिम पक्ष की ओर नहीं जाएगा। इलाहाबाद के अंदर जो फैसला हुआ था वो भी इलाहाबाद के जज एक नहीं थे, तीन जजों की कमेटी के अंदर दोनों ने फैसला एक दिया और एक ने फैसला अलग दिया। अब ये जो सुनवाई हुई है इसके अंदर ये फैसला श्री राम जी के पक्ष में जाएगा ना कि मेरे पक्ष में जाएगा? दूसरी बात, राजनीति की बात करते हैं, अभी तो सरकार 4 साल 8 महीने और राजनीति की क्या बात हो गई? कहीं की राजनीति हो रही है इसमें? यूपी की सरकार 2.5 साल अभी और है, किस बात की राजनीति हो रही है? तो मतलब ये राजनीति करेंगे इसका? ये मान चुनाव होने से पहले अयोध्या में हम सब जुटे थे तब इसको राजनीतिक रंग दिया गया था, आज कोई राजनीतिक रंग नहीं है और कोई राजनीतिकरण नहीं है सर। लेकिन बार बार ये कहना कि हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये मेरा विश्वास है, कोर्ट में उतनी आस्था नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का विश्वास है कि राम जी के फेवर में आएगा फैसला। लेकिन हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर है, हमारा विश्वास अपना विश्वास अगर हम भी बोलने लगे कि हमारा विश्वास है कि हमारे पक्ष में आएगा तो ये कहीं तक का विश्वास नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ दलीलों पर फैसला होता है, विश्वास और धर्म और आस्था के बस पे नहीं होता है। आपको भी पता है, ऐसे हमारा अपना विश्वास है लेकिन हम अपना विश्वास भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। हम अपना विश्वास भी जाहिर नहीं कर रहे हैं सर, हमारा अपना धैर्य है, उसके बाद अपना धैर्य कहीं ना कहीं जरूरत होती है कि और पूर्ति रही है कि हम आपसी सौहार्द के साथ हर पर्व मनाते आए हैं। देवेंद्र जी, क्या लगता है कि फैसला जो भी हो क्या बीजेपी की सरकार को भी मान्य होगा? क्योंकि आप तो डंके की चोट पर कह रहे हैं राम मंदिर वही बनाएंगे। लास्ट 2 मिनट है सर, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी कि अगर फैसला पक्ष में नहीं हुआ सर्वमान्य होगा। मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि सरकार अपने स्टैंड पर है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानेगी निश्चित। और सबीना जी ने कहा है कि आज तक किसी मुस्लिम ने उस पर नहीं कहा कि वहाँ मस्जिद हम मान लेंगे, मंदिर बन जाएगा, मस्जिद के लिए नहीं कहेंगे। तब की अभी बेग साहब का आप सुन रहे थे कि डिसीजन हमारे फेवर में आएगा, तो मैं इस बात की तो यहीं कथनी कटनी करता हूँ कि अपनी अपनी दलीलें लोगों की हो सकती हैं, अपनी अपनी आस्थाएं लोगों की हो सकती है, वो क्या बोल रहे हैं उनका विशेषाधिकार है। लेकिन हम कह रहे हैं, हमारी सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट की दलील को ही मानेंगे। जी जितेंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी। देखिए, सभी पक्षों को इसमें हिंदू है मुस्लिम है जितने पक्षकार हैं इस सुप्रीम कोर्ट में जो बयान हुए उन्होंने अपने अपने बयान दिए, अपने अपने तथ्य रखे हैं। तो अब 23 दिन की बात और है, सभी लोगों को भड़काना नहीं चाहिए, मुस्लिम में नहीं जाना चाहिए। जो भी आएगा 10-15 दिन में 20 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा और जो है शांति से बैठे। इधर उधर की बयानबाजी से देश में माहौल बिगड़ता है और भाईचारे को नुकसान पहुंचता है, ये ना पहुंचे और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं यहाँ शो को खत्म करूंगी कि तारीख पर तारीख अब खत्म हुई, अब कुछ ही दिनों का इंतजार रह गया है। तो ये जो दिन कटेंगे इस पे निगाहें टिकी होंगी सुप्रीम कोर्ट में कि कब फैसला, ऐतिहासिक फैसला आता है। लेकिन इस बीच तमाम पक्षकारों को, तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को ये ध्यान देना होगा आपसी सौहार्द बना रहे। देश की खूबसूरती इसी में है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम भारत के निवासी हैं और इसकी खूबसूरती उसी में है जब हम आपसी सौहार्द से जुड़े। फैसला किसी के भी पक्ष में हो उसे सर्वमान्य करना चाहिए और तमाम लीडर्स को सामने आना चाहिए कि फैसला चाहे किसी के पक्ष में हो वो माना जाए और उसे कैसे लागू करवाना है इस पर ध्यान रखा जाए, लेकिन आपसी सौहार्द से। इसी के साथ सभी तमाम गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करती हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।